बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम स्टार्ट लेते हैं जी आ, जी आई होप के सबसे स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी और लैंग्वेज भी चेक कर लें जी उर्दू है इसमें को, को, कोई इंग्लिश वाला बच्चा तो नहीं है बता दें भाई सर एवरीवन कैन अंडरस्टैंड उर्दू कोई इंग्लिश वाला आ गया तो बता दें

अच्छा अगर इफ समवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड उर्दू तो इंग्लिश इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश तो दिस सेम लेक्चर इज ऑलरेडी अपलोडेड इन इंग्लिश ठीक है जी अब जरा बात कर लेते हैं देखिए बेटा एस बी आर में कॉन्सोल्टन में चेंज आ गया है मैं पहले एक चीज बता देता हूं जो एस बी आर में कॉन्सोलेशन में चेंज आया है ना वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट देर इज नो चेंज बेटा आपने अपने माइक बंद रखने जी किसी एक का माइक खुला हुआ है प्लीज माइक जी, ये शायद इनका खुला हुआ है, है बंद Otherwise, Please, mic बंद रखिएगा, मसला होगा जी, जी जी। अच्छा ये अच्छी बात क्या है कि कॉन्सल्टे में जो चेंज आया no Concept सारे वही है ऑब्वियसली जो चेंज है वो भी बता देता हूँ थर्टी मार्क्स का जो कॉन्सल्टेशन का क्वेश्चन है थर्टी उसमें अराउंड 12 से 12 टू 14 में 14 भी में मैं मैक्सिमम कह रहा हूं नॉर्मली 12 मार्क्स तक का एरिया चेंज हुआ है उस चेंज में है क्या वो आपको ड्राफ्टेड या इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको उसमें डिफरेंट एडजस्टमेंट बतानी पड़ेंगे हम वो सारे तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपके ही स्पेसिमिन का क्वेश्चन है और डायरेक्टली हम इस वक्त ए के अपने सी बी प्लेटफॉर्म पे ही हैं ठीक है जी इसमें अगर आप देखें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रिक्वायरमेंट्स है पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं जी जिससे आपको आइडिया होगा कि वो चेंज एक्चुअली अप्लाई कहां पे हो रहा है मैं आपको बताता हूं देखें रिक्वायरमेंट ए का एस के चेंज से कोई लिंक नहीं है ए वन में नो चेंज ए टू में कोई इशू नहीं है बी के अंदर कोई इशू नहीं है इवन जो आपकी रिक्वायरमेंट सी है उसमें भी कोई इशू नहीं है सी वन नो चेंज सी टू नो इशू ओनली जो चेंज आया ना चेंज दैट इज सी थ्री जो अराउंड ट्वेल्व मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट है तो अभी जो एस बी आर में थर्टी मार्क्स का का क्वेश्चन आएगा उसमें एक रिक्वायरमेंट ऐसी होगी जिसमें चेंज बेसिकली ये कि समझे वो पहले से आपको एक ड्राफ्ट कॉन्सोलीटेड एसओ एफ पी एसओसी कैश फ्लो स्टेटमेंट दे देगा उसको आपने कंप्लीट करना है ठीक हो गया जी अब वन बाय वन पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं फिर हम इसको डिस्कस करते फिर मेन जो असल रिक्वायरमेंट है उस पर जाएंगे आस्ते आस्ते इनशाला अच्छा ए के वन में देखें वो कह रहे as पहले तो एक देखे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एक हिंट है मतलब आपको ना यू हैव टू स्टिक टू दैट ग्रीन कंपनी एसोसिएट ही क्योंकि रिक्वायरमेंट में वो खुद कह रहे है मतलब आपको यह बताना है कि ग्रीन कंपनी एसोसिएट क्यों है सब्सिडरी क्यों नहीं है तो हिंट ये आई स्टिक टू एसोसिएट एसोसिएट है है तो associated. बस प्रूफ करना है उसको चार मार्क्स अच्छा बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट ए है ना अब वो सारे का सारा डिस्कशन वाले रही है उसको आप वर्ड प्रोसेसर के वर्ड प्रोसेस में सॉल्व करो और अच्छा तरीका ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट ए वन है आप रिक्वायरमेंट ए वन को कॉपी कर कॉपी करें ठीक है जी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट तो ये आपकी रिक्वायरमेंट ही आपकी हेडिंग बन जाएगी मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ही आपकी क्या बन जाएगी हेडिंग बन जाएगी ठीक है जी इसकी आदत डालें, टाइम बचेगा आपका एग्जाम में अब ओनली एग्जिबिट वन कह रहा है तो अस डायरेक्टली गो टू एग्जिबिट वन देखते हैं एग्जिबिट वन में वो क्या कह रहा है ये आ गया एग्जिबिट वन ठीक है जी आई होप के स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है और रीड भी होने रीडेबल भी है थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं और जूम इन आई होप के कुछ मुनासिब अच्छा बेटा ऑन फर्स्ट अप्रैल एक्स फोर कंपनी क्टी शेयर कितने परसेंट होल्डिंग ले ली थर्टी परसेंट आगे बढ़ लेंगे इनशाला लेकिन प्लीज एक हम सब की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है वो बेटा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हम सब की ये है कि ट्वेंटी से फिफ्टी परसेंट के दरमियान अगर किसी कंपनी में आपकी होल्डिंग है नॉर्मली हम उसको एसोसिएट ले लेते हैं नॉर्मली 20 से 50 एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को शो कर रहा होता है हाँ 20 से 50 परसेंट की जो होल्डिंग है वो वन ऑफ द इंडिकेटर्स है थोड़ा सा और अगर डेप्थ में जाएंगे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पता चल जाएगा अगर डायरेक्टरशिप की चेयर में से एटलीस्ट एक चेयर आपके पास हो अगर किसी कंपनी में ट्वेंटी से फिफ्टी परसेंट के दरमियान मेरे पास होल्डिंग है और एक आध डायरेक्टरशिप की चेयर मेरे पास है तो हम कह सकते हैं वो कम, उस कंपनी में हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है

या यू भी कह सकते हैं हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं शेयर इन पोस्ट इंक्रीज इन द नेट ऑफ एसोसिएट लेकिन हम ग्रुप अकाउंट्स में एसोसिएट को कॉस्ट पे नहीं रखते इक्विटी मेथड पे आ रखते हैं तो एक छोटा सा यहाँ ही या आ रहा है इन्होंने आज तक इसको किस पे रखा हुआ है कॉस्ट पे अकाउंटिंग के लिहाज से बात कर रहा हूं दे शुड है अच्छा अब सवाल पढ़ते हैं देखते हैं इनको मतलब वट मेक्स दम थिंग यार ये कंपनी इनकी सब्सिडरी है लेकिन हमने बताना है कि सब्सिडरी नहीं है बल्कि एसोसिएट है अच्छा ये ग्रीन कंपनी हैज बीन स्टेटेड एट कॉस्ट ये बात होगी रिमेनिंग सेवेंटी परसेंट ऑफ इक्विटी ऑफ ग्रीन कंपनी एट फर्स्ट रिलैक्स फोर वॉज ओन बाई अदर इन्वेस्टर्स ओके नन ऑफ विच ओन मोर देन टेन परसेंट इक्विटी

जो ये बताता है कि यार जरूरी थोड़ी है इन ऑर्डर टू गेट कंट्रोल होल्डिंग वो तो कहते हैं फैक्टर है देर आर अदर फैक्टर्स अब बातें समझ दी है देखिए थर्टी होल्डिंग आपके पास है सेवेंटी अदर इन्वेस्टर्स के पास है पहला पॉइंट तो यह मेजोरिटी होल्डिंग एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग विद अदर इन्वेस्टर्स अदर शेयर होल्डर्स सेकेंड

जो भी बंदा पास्ट में उन्होंने वोट डाले इंडिपेंडेंटली डाले कोई वोटिंग पैटर्न नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है कि चकल जो कहेगा उसी के लिए वोट डालेंगे तो यहां पे हम कहेंगे कि भाई आपके पास थर्टी परसेंट होल्डिंग है बाकियों के पास सेवेंटी परसेंट होल्डिंग है और वो जो सेवेंटी परसेंट होल्डिंग है दे आर नॉट डिस्पर्स शेयर होल्डर्स और कोई ऐसा वोटिंग पैटर्न भी नहीं है दैर इज वाई हम उसको बताएंगे भाई चक्कल कंपनी की जो 30% ग्रीन में होल्डिंग है ग्रीन आपकी एसोसिएट है ग्रीन कैन नॉट बी योर सब्सिडरी ये बात ये डिस्कशन के लिए हुई भाई सारे बच्चों को पहले ये बता दें चैट बॉक्स में ये डिस्कशन क्लियर है तो बताएं फिर मैं इसकी ड्राफ्टिंग पे बात करूंगा इंशाल्लाह क्लियर हुआ वाई ग्रीन कंपनी इज एन एसोसिएट क्यों बेटा साथ साथ रिस्पॉन्ड करेंगे तो बात जरा मुनासिब हो जाएगी क्लियर है जी अच्छा आप थोड़ा सा ना बेटा ड्राफ्टिंग पे भी बात कर लेते हैं देखें एक चीज तो क्लियर कर लें प्लीज देखिये द वॉल्यूम विच एग्जामिनर एक्चुअली प्रोड्यूस वी कैन नॉट प्रोड्यूस द सेम वॉल्यूम ना तो मैंने वो हमने वो क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है जो एग्जामिनर प्रोड्यूस करता है एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी इन द सेम वॉल्यूम एंड नो बडी इज एक्सपेक्टिंग आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखना है बेटा ठीक है तो एग्जाम कंडीशन में बैठ के आपने थोड़ा मुनासिब ही लिखना है तो एक तो एग्जामिनर का प्लीज वो जो डिटेल आंसर होता है उसको देख के टेंशन में नहीं आना होता ड्राफ्टिंग मैंने सिर्फ ये जो एरियाज है इसकी पहले से की है ताकि हमारा टाइम बचे वरना सारा टाइम इसी में लग जाएगा भाई ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ ड्राफ्टिंग वाले एरिया पे आई होप की स्क्रीन नजर आ रही है ड्राफ्टिंग वाली यस नो yes, no?

अच्छा कंट्रोल के लिए क्या देखना है, right है और एक्सपोजर भी है अच्छा आगे बढ़ो एबिलिटी टू यूज दूक्ट क्या रिटर्न सही कहा है जो सेवेंटी परसेंट शेयर होल्डर कहेंगे वो होगा ना जो आप कह रहे हैं वो थोड़ी होगा एन इन्वेस्टर वुड हैव कंट्रोल इफ हैव मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द पॉवर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको माना जाएगा नहीं माना जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है चकल हैल्डिंग एज दे ओन लेस देन फिफ्टी परसेंट शुड कंसीडर शुड कंसीडर इफ देयर आर अदर आप अदर फैक्टर्स देख लें विच इंडिकेट देव द पावर

बेटा जरा क्वेश्चन पे वापस चलते हैं ये था आपका एक्सिबिट वन अब जरा रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं कि उस ए के में क्या कह रहा है ए के में देखें क्या कह रहा है यूजिंग एक्सिबिट वन ओनली एक्सप्लेन हाउ ग्रीन कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर एस एन एसोसिएट यूजिंग इक्विटी मेथड इन कॉन्सोलीटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अब आपने एक्सप्लेन करना है देखें तीन मार्क्स में आपसे पूछ रहा है

अगर मैं आपको हल्का सा इसमें पॉइंट बताऊं, प्लीज देखेगा मैं एग्जिबिट वन पे दोबारा जाता हूं। आप लोग सब देखें एग्जिबिट वन में आपको डे वन में जो हमने इन्वेस्टमेंट किए वो हंड्रेड मिलियन की चेक कर लें। की है। एट एक्विजिशन नेट एसेट 286 थे और थर्टी फर्स्ट मार्च एक्ट सिक्स को अगर आप देखें नेट एसेट बता रहा है थ्री फोर्टी एट अब प्लीज देखेगा अगर हम 348 में से माइनस कर दें 286 को ये आता है 62। रिपीट कर रहा हूं अगर आप 348 में से 286 को माइनस कर दें तो ये 62 आता है आप उसका 30 परसेंट ले लो मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को बेटा अगर आप 348 में से 286 को माइनस करें और उसका 30 परसेंट ले तो ये 18.6 आता है लॉजिकली हंड्रेड मिलियन के अंदर आप एटीन पॉइंट सिक्स एड कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट एन एसोसिएट का amount आ जाएगा by using equity method. लेकिन दिसप्लेनेशन तो, अच्छा, वाले पार्ट पे आतेन हाउ ग्रीन कमी शुड बी अकाउंटेड फॉर एस एन एसोसिएट the investment in green companies is stated at cost in group account which is kya? incorrect आपने उसे कॉस्ट पे रखा हुआ है इनकरेक्ट है आपको उसको किस पे रखना है इक्विटी मेथड पे अ सिंगल लाइन शुड बी रिकॉग्नाइज इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी अंडर नॉन करंट एसेट टाइटल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बस एक सिंगल टाइटल आ जाएगा एक सिंगल लाइन आइटम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट

मार्च एक्स सिक्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट वन वन एट पॉइंट सिक्स होना चाहिए बेटा यहां तक बताएं सबको क्लियर है ये yes सुनो no? जी बेटा कमेंट्स में आप बता सकते हैं यहां तक क्लियर है ये yes सुनो no? चले बेटा यहां तक क्लियर है दैट्स ग्रेट आगे चलते हैं जी हमें क्वेश्चन पे दोबारा जाना पड़ेगा ये चलता रहेगा भाई ये ड्रामेबाजी होती रहेगी यहाँ जाए वहां जाए अब आ जाए बेटा अगली रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो ना क्या कह रहा है अच्छा जी ये दो तो हो गए अच्छा बी पार्ट में क्या कह रहा है भाई बी में कह रहा है यूजिंग एक्सिबिट टू एक्सप्लेन ब्रीफली वाई क्लासिफिकेशन ऑफ चकल ग्रीन ग्रीन गमनी शुड चेंज in फर्स्ट एप्रिल एक्सिक्स टू दैट ऑफ सब्सिडी बेटा देखें सवाल में हिंट है बी के अंदर आपने ये बताने की अब इसको हम क्यू सब्सिडी लेन ब्रीफली वाय द क्लासिफिकेशन ऑफ चकल गंपनी इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन गंपनी शुड चेंज क्यू सब्सिडी में भाई एक आसान सा तरीका है बेटा कंट्रोल आ गया तो सब्सिडी खत्म सोचो बस सारा गेम इस चीज का है ना आपको ये बताना है कंट्रोल आया है कि नहीं आया ठीक है अगर कंट्रोल आ गया यू हैव द कंट्रोल बस बात खत्म होगी भाई तो बात कर लेते हैं एग्जीबीट टू पे चलते हैं चलें ये एग्जिबिट टू पे आगे थोड़ा सा जूम इन की कोशिश करते हैं बस ये हो गया भाई काम चल जाएगा चकल कंपनी इक्वाइड फर्दर 18 परसेंट ऑफ ग्रीन कंपनी बहुत काम का पॉइंट आ गया बेटा बहुत काम का पॉइंट आ गया चले ये कलर भी ले लेते हैं येलो वाला ये बड़ा चल रहा है भाई चले हरा में यार अल्लाह माफ करे अजीब भाई ये तो वही आ रहा है भाई अबे कैसे लोग यार चले वो ज्यादा पीलो हो खैर चकल कंपनी एक्वाइड फर्दर 18 परसेंट ग्रेन कंपनी सिक्योरिटी ऑन फर्स्ट अप्रैल एक्स सिक्स अब प्लीज सुनेगा बेटा पहले से था आपके पास 30 परसेंट होल्डिंग मजीद 18 ले ली 48 परसेंट होल्डिंग हो गई बेटा 48 परसेंट होल्डिंग होने के बावजूद हम कहेंगे स्टिल हमारे पास मेजोरिटी नहीं है

The exercise price of the option at 1st April X6 was just above the market price of the green company's shares. Green company has been profitable for a number of years and share price has been on an upward trend which is expected to continue. Chakal company would increase its ownership to 60% should it exercise its rights. It is believed that there would be additional cost saving. Should be 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 additional shares be acquired as decision at the BOD could be made more efficiently चीज है पहले हमने कहाजोरिटी होल्डिंग बाकी शेयर होल्डर्स के पास है वो नहीं है, अब हम शेयर ऑप्शन पे हमने शेयर ऑप्शन में उसको ये भी बताया राइट नाउ शेयर ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है लेकिन फिर उसके बाद हम बताएंगे बट इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस that share price of the green company is expected to increase which means that exercising the share option today will actually result in anticipated cost saving therefore I am say these share options are substantive rights substantive means exercisable these substantive rights are exercisable so I will say

हमें बेसिकली फर्स्ट अप्रैल एक्ट सिक्स को ही चगल हो क्या मानना पड़ेगा भाई पेरेंट मानना पड़ेगा हालांकि अभी share option exercise नहीं किए लेकिन हम कह रहे हैं भाई ये substantive है, आप exercise कर लोगे so तो इसकी अगर मैं एक लिए ड्राफ्टिंग में चलो बेटा इसमें देखें The classification of Green Company should change to a substitute if Chakal have obtained control on 1st April XX. After additional 18% stake in Green Company, Chakal now have 48% shareholding. So they will, they still do not have majority. Abhi bhi majority nahi hai. Thus, the remaining shares are owned by a few other shareholders, none of which own more than 10%. So these are unlikely to be considered, disbursed nahi hai bhai wo so they have acquired some share options so they need to assess if they have control through potential voting rights the share options are currently exercisable even though the right now exercise price is above than the current share price since the share is expected to rise share price is expected to rise which means cost saving is anticipated therefore these rights are deemed kya. substantive the share option would take shareholding to 60 of

जब रिक्वायरमेंट्स में वापस आते हैं अच्छा जी अब सी का मन देखें बेटा यूजिंग एग्जिबिट टू सी बना एक्सप्लेन वाई ब्रीफली हाउ द एडिशनल सॉरी हाउ द एडिशनल परचेज ऑफ 18 परसेंट इक्विटी इन ग्रीन कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चक्कर सर कह एक्सप्लेन करें हाउ एडिशनल परचेज ऑफ एटीन इक्विटी इन ग्रीन कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन

जिनल इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो बेटा जो हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है हमें उसे फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा और रीमेजरमेंट में जो फेयर वैल्यू में चेंज आएगा वट एवर आदर इज गोइंग टू बी गेन अ लॉस दैट गोज टू ग्रुप पी एन एल तो पहले जो आपकी एडिशनल इन्वेस्ट और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जिसको आप इक्विटी मैथड पे अकाउंट फॉर कर रहे हो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा 30% जो हमारी होल्डिंग है 30 जो एग्जिस्टिंग है उसकी फेयर वैल्यू क्या है एट द डे वी गॉट दैट 18% होल्डिंग वो जो हमारी पुरानी इन्वेस्टमेंट है उसको फेयर वैल्यू पे लाएंगे और जो भी चेंज होगा वो ग्रुप पीएनएल में चला जाएगा तो फेयर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल 30% होल्डिंग प्लस कॉस्ट ऑफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बेटा दोनों को यूटिलाइज किया जाएगा गुडविल कैलकुलेट करने में दोनों को यूटिलाइज एटीन परसेंट की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे और एग्जिस्टिंग जो थर्टी परसेंट होल्डिंग है उसकी फेयर वैल्यू लेंगे अब अगर एक मिनट के लिए अच्छा ये तो आपने एक्सप्लेन करना है ठीक है इसकी एक्सप्लेनेशन वाला एरिया पहले देख लें फिर हम आता आंबर्स पे जा रहे हैं फिगर नहीं कर रहे यहाँ आ जाए ये सिर्फ दो मार्क्स का था शायद चले अब ये दो मार्क्स के लिए बहुत है बेटा ये जो मैंने ड्राफ्टिंग करने की कोशिश की है इससे आपको एक एलिमेंट ऑफ सुकून मिलना चाहिए कि भाई उतना नहीं लिखना जितना एग्जामिनर लिखता है उतना लिखने का तो टाइम ही नहीं होता सर वो इतना क्यों लिखता है वो बेटा आपको अगर मिल जाए तो पूछ लीजिएगा मुझे ही बता देना बहुत फारिग होगा उसको बस टाइम होगा बहुत क्या बोल सकते वो सिखा रहा होता है बेटा इसलिए इतना लिखता है वापिस आ जाए अच्छा जी अब सी टू

बेटा एट एक्विजिशन जब आपके पास कंट्रोल आता है जब आपके पास कंट्रोल आता है तो की रिक्वायरमेंट है एट एक्विजिशन आपको सब्सिडी के तमाम नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना होता है आप जब आप सब्सिडी के तमाम नेट एसेट्स को एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे लाते हैं तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में कैरिंग अमाउंट कुछ और हो और मार्के एट एक्विजीशन फेयर वैल्यू कुछ और हो इंडिविजुअल बुक्स कैरिंग अमाउंट और एट एक्शन की फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहते हैं और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से अगर कोई टैक्स टैक्स आए तो बेटा वो liability आपकी गुडविल को इंक्रीज कर देती है अब सवाल यह पैदा होता है कि सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी हाउ कम इट विल इंक्रीज द गुडविल इट विल इंक्रीज द गुडविल कैसे बेटा मान लो कि आपकी फेयर वैल्यू है तो भी आ रही है वो डेफोडेस एक्विजिशन आएगी वो नेट एसेट एट एक्विजिशन को कम कर देगी तो बेटा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन जितना कम होगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन जितना कम होगा ऑटोमेटिकली गुडविल उतनी ज्यादा होगी तो सबसे पहले तो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द फेयर वैल्यू नॉन एसेट तो पहले तो हम उसको बता देंगे क्या कहता है? भाई, IFRS कहता है न, के के, सर, है भाई काम करो के तमाम एसेट को फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्यों सर आप बेटा सब लोग बता दें फेयर वैल्यू का तो आईएफआरएस 13 थर्टीन ही बताता है आपको हाउ टू मेजर द फेयर वैल्यू तो जिस दिन कंट्रोल आएगा उस दिन मुझे के तमाम नेट एसेट्स को एड एक्शन वैल्यू पे लाना है ये तो 3 कह रहा है लेकिन हर एक की फेयर वैल्यू का अमाउंट क्या होगा बेटा कहता, कहता है तो पहले जरा सवाल पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगी हमें जाना है एग्जिबिट थ्री पे जी। ये आ रही है एग्जिबिट थ्री मैं लोड हो जा भाई हो गई भाई अलहमदुल्ला द डायरेक्टर्स चले ही नाइनटी परसेंट उसको हंड्रेड परसेंट कर लेते हैं ताकि कुछ शायद मुनासिब हो जाए मामला अच्छा ये द डायरेक्टर्स ऑफ चकल कंपनी हैव प्रिपेयर्ड अ स्प्रेडशीट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट अप्रैल एक्स सिक्स एग्जिबिट फोर ठीक

भाई ये येलो वाला ही थोड़ा मुनासिब लग रहा है अरे भाई इनकी भी ड्रामेबाजी है हो गया येलो लो दसो अबे भाई चलो जी चलो जी ये नहीं हो ये कह रहा मैं नहीं हो रहा हाइलाइटर पे जाओ यार चल भाई तू ही सही है यार अच्छा जी द डायरेक्ट इसमें देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है द कंसीडरेशन फॉर फर्दर एटीन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर सर अठारह की जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है है द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑरिजिनल थर्टी परसेंट इक्विटी इंटरेस्ट वो ट्वेंटी सेवन मिलियन अब बेटा सुन ले जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी ना उसकी फेयर वैल्यूटी सेवन है बेटा सबसे पहले हमें एक काम करना था जो शायद हम डिस्कशन में कर चुके हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना एसोसिएट में पहले हम 100 मिलियन को 118.6 पे लाएंगे फिर जिस दिन कंट्रोल आया उस दिन आप 118.6 को 127 से कंपेयर करेंगे डिफरेंस ग्रुप पीएनएल में चला जाएगा इस पे आते हैं थोड़ी देर में अभी तो हमें जरा देखना है कि फेयर वैल्यू उसका क्या होगा द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ऑफ ग्रीन कंपनी बता रहे जी इसके बाद देखिए यहां कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंक्लूडेड

बेसिकली वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके नेट एसेट को क्या कर देगी कम कर देगी तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है टेक्निकली उसका इंपैक्ट गुडविल में जाता है एंड इट इंक्रीजेस द गुडविल तो अगर एग्जामिनर कुछ भी नहीं कह रहा तो बेटा याद रखिएगा एट एक्विजिशन 60 फेयर वैल्यू होगी जो 50 का कैरिंग अमाउंट है हम उस कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस ले लेंगे जो 50 का कैरिंग अमाउंट है अगर एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा उसी को टैक्स बेस ले लेंगे तो लॉजिकली फेयर वैल्यू ज्यादा है टैक्स बेस कम है एसिड केस में अगर टैक्स बेस कम हो और एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू ज्यादा है जो डिफरेंस आएगा टेन का वो एक किस्म की फेयर वैल्यू जस्टमेंट अपनी जगह पर है लेकिन आई एस ट्वेल्व के अकॉर्डिंगली वो एक डेफर्ड वो एक टैक्सेबल डिफरेंस है अगर रिकॉल करें काफी पहले पढ़ा था आई एस ट्वेल्व में आपने ऐसी चीजें कैरिंग अमाउंट ज्यादा और टैक्स बेस कम हो तो टैक्सेबल डिफरेंस आता है और टैक्सेबल डिफरेंस को जब आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल डिफरेंस को जब टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेफोडेक्स uh, लाइब्री आ जाएगी और अगर आप फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो प्लीज सुनिएगा फेयर वैल्यू कैसे आएगी जस्ट अ मिनट। अच्छा ये मिस पॉइंट पे थे अब अगर हम uh, बात करें फेयर वैल्यू की लैंड की फेयर वैल्यू देखिए जी फेयर वैल्यू के लिए ऑफ कोर्स विल टेक द हेल्प फ्रॉम आई एफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट अब फेयर वैल्यू मेजरमेंट में बेटा जब हम लैंड की फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो लैंड की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हो ऑब्वियसली सुनना ध्यान से लैंड की लोकेशन को भी देखा जाएगा लोकेशन देखेंगे लैंड की इवन लैंड की जो इस वक्त राइट नाउ जो आप कह लेंगे लैंड की लोकेशन देखा जाएगा पर्टिकुलर एरिया कौन सा है उस उन चीज़ों को देख के ही लैंड की क्या डिसाइड की जाती है फेयर वैल्यू डिसाइड की जाती है तो यहाँ पे बेसिकली आई फे थर्टीन को अप्लाई कर देंगे और आई फे थर्टीन जब लैंड की फेयर वैल्यू बताएगा तो वो जाहिर सी बात है उसकी लोकेशन देखेगा एरिया देखेगा प्लस इस चीज़ को भी देखा जाता है लैंड को सेल करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है अगर लैंड को सेल करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन है जाहिर सी बात है फेयर वैल्यू कम हो जाएगी सोचें उस लैंड पे कोई केस चल रहा अल्लाह माफ़ करें तो फेयर वैल्यू तो कम ही होगी ना फिर

फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेंटरी के अंदर और जब हम इन्वेंटरी की फेयर वैल्यू मालूम कैलकुलेट करेंगे तो आप जाहिर सी बात है उसकी फेयर वैल्यू देखोगे लेकिन उसकी फेयर वैल्यू में से अच्छा जी देखते हैं कोई सवाल आ गया है क्वेश्चन नहीं आ रहा लो बताओ भाई बड़ी जल्दी बता दी मैडम कब से कह रहे हैं भाई

तो इन्वेंट्री की जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी उसमें तो वो भी माइनस कर देंगे भाई। हमें तो फेयर वैल्यू मालूम करनी है, की है क्या इन्होंने खैर वन थर्टी वन है तो हम उस वन थर्टी वन को ही लेंगे तो इन्वेंट्री के अंदर भी एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी मजीद पड़ता है ऑन फर्स्ट एक्स द डायरेक्टर ऑफ चक्ल कमी ऑल्सो दैट ग्रीन कमनी

तो अप्लाई कर दे नॉर्मली ऐसा नहीं कहता इसमें कह रहा है अगर कह रहा है तो सब पे अपलाई कर देंगे और तीनों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की वजह से डेफोडेक्स लाइबिलिटी आएगी और लॉजिकली वो डेफोडेक्स लाइबिलिटी

अब सर हर जगह जरूरी नहीं है कि आप आई फ्रटीन में फेयर वैल्यू मेजरमेंट में फेयर वैल्यू की डेफिनेशन लिखना शुरू कर दें अच्छी बात है लिखें आ, लेकिन टाइम को भी देखें एग्जाम में अगर टाइम हो तो लिखें अदरवाइज सर तीन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी हर एक पे अगर आपने दो दो तीन तीन लाइनें लिखी हैं इट्स गुड इनफ टू तो गेट सिक्स मार्क्स एसेट शुड बी मेजर एट फेयर वैल्यू एट एट द ऑफ कंट्रोल इज फर्स्ट वैल्यूट्रोल सिक्स और शुड बी मेजर बाई यूजिंग क्या कह रहे हैं लैंड

और 30 मार्क्स में से 18 मार्क्स की ये सारी चीजें इन 18 मार्क्स के अंदर कोई न्यू स्टाइल का कोई चेंज नहीं है पहले भी ये सब कुछ होता था अब बेटा जो चेंज वाली कहानी है उस पर चलते हैं अल्लाह का नाम लेके ताकि आपको आइडिया हो कि सर चेंज क्या है सर मतलब बच्चे ये भी पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज अ चेंज चेंज क्या है बेटा चेंज को अगर आप देखें कहानी के रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे तो पता चलेगा अब C3 उसने पहले से ना एक प्री प्लॉटेड स्प्रेडशीट बता दी है भाई पहले से स्प्रेडशीट में काफी वैल्यूज मौजूद है रिस्पॉन्स ऑप्शन विद एग्जिबिट थ्री एंड योर प्रीवियस आंसर्स एडजस्ट द स्प्रेडशीट प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ चक्कल कंपनी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर क्टेड कॉन्सलटेड एसो एफ पी स्प्रेड शू टेक टू अकाउंट अब क्या क्या लाना है for associate. आप बताएंगे अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट की जो आपने अकाउंटिंग की है उसको इनकार क्लासिफिकेशन फ्रॉम एसोसिएट टू सब्सिडी जब आप एसोसिएट टू सब्सिडी में जा रहे हैं उसमें जो चेंज आ रहा है उसको एडजस्ट करें फेयर वैल्यू जस्टमेंट खुद बता रहे उसको एडजस्ट करो गुडविल उसने कैलकुलेट नहीं किया आप कैलकुलेट करो प्लस क्या कह रहे हैं गुडविल यूजिंग द प्रोपोर्शनेट शेयर पार्सल गुडविल है पार्सल अब इसमें एक चीज समझें ये देखें उसने आपको ड्राफ्ट कॉन्सोलिडेटेड एसओ एफ पी दिए पहले इसको देखें आप ताकि मैं बताता हूं करना क्या करना क्या आई ही नहीं रहे चलो अच्छा जी देखते हैं अब ये जो ड्राफ्ट दिए ना बेटा उन्होंने ये देखें आ, ये चल चल हाँ आप लोग देख रहे हैं एक मिनट के लिए ये जो ड्राफ्टेड है ना बास बच्चे इसमें परेशान हो रहे थे शायद के सर, इसी के अंदर इसको सौल, इसमें सॉल्व नहीं करना बेटा ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये रिस्पॉन्स ऑप्शन नहीं है तो जज्बात में आके जो ड्राफ्ट कॉन्सोलेटेड गिवेन है उसी में शुरू मत हो जाना आपको जो रिस्पॉन्स ऑप्शन है ना उसमें यही चीज़ दोबारा मिलेगी ये मैंने क्लिक किया रिस्पॉन्स ऑप्शन पे और ये पहले वाले को हटा देते हैं अब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि रिस्पॉन्स ऑप्शन में चेंज क्या है ये रिस्पॉन्स ऑप्शन में ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है फिगर नहीं करें आप हम दोबारा कर लेंगे ये रिस्पॉन्स ऑप्शन को देखें अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्स ऑप्शन में एक चीज़ बतानी है आपको ये देखने रिस्पॉन्स ऑप्शन में ना एक वर्किंग की भी हेडिंग होगी तो पहले तो एक चीज को क्लियर कर लें क्योंकि बच्चों का ये सवाल था कि सर हमें ड्राफ्टेड जो ऊपर उसमें सॉल्व करना नहीं इसको कहा सॉल्व करेंगे रिस्पॉन्स ऑप्शन में रिस्पॉन्स ऑप्शन में वो आपको खुद एग्जामिनर ड्राफ्टेड कॉन्सल्टेंट देगा ये बात क्लियर होती है yes, you know. अब बेटा सबसे पहले वर्किंग समझनी है प्लीज टू सेव टाइम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हंड्रेड मिलियन है ये की बात हो रही है. इसके बाद मैंने देखें ऐड किया शेयर इन एक्विजिशन रिजर्व ये कैसे आया था ये भाई दिखाई दे रहे है ना ऊपर सबको सेल को मैंने कलेक्ट किया तो ये कैसे आया एटीन पॉइंट सिक्स जी बेटा तो ये तो नजर आ रहा है ना वरना ठीक है आपके पास इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आ गई पॉइंट सिक्स दोनों ऐड कर दो अब एट जिस दिन कंट्रोल आया जिस दिन कंट्रोल आया उस दिन आपको अपनी एग्जिस्टिंग थर्टी परसेंट होल्डिंग को एग्जिस्टिंग थर्टी परसेंट होल्डिंग को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा फेयर वैल्यू वन ट्वेंटी सेवन है गिवेन है क्वेश्चन में अब इसको देखें 127 की फेयर वैल्यू में से अगर मैं investment and associate को को तो 8.4 का जो gain आ रहा है ये gain जाएगा में, में। में पहले सारे बच्चों समझ आई।, आई? के ऊपर कमेंट कर दे सबको समझ में आई नहीं और वो कंफ्यूजन भी क्लियर होगी ना कि ऊपर ड्राफ्टेड कॉन्सल में सॉल्व नहीं करना जो रिस्पॉन्स ऑप्शन है वहां सॉल्व करना है इसको और ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं अब ये बारह मार्क्स के लिए कर रहे हैं आप बेटा जरा वर्किंग टू पे आते हैं गुडविल एट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एडिशनल एटीन परसेंट होल्डिंग सिक्सटी सिक्स है और ये आपके पास फेयर वैल्यू आ रही है कितनी वन ट्वेंटी सेवन फेयर वैल्यू एनसीए कैसे आएगी ये मैं अभी बता रहा हूं आपको फिक्र नहीं करें

फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेटाबेस है ये जो टेन प्लस आएगी तीनों की वजह से ये सारे बच्चे देखें 12.4 कैसे आ रहा है बड़ा मैंने 10 को ऐड किया प्लस फोर्टी सेवन प्लस 5, तीनों फेयर एडजस्टमेंट को ऐड किया 20 परसेंट से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव साइन मैंने ब्रैकेट से पहले पहले ही लगा दी थी उसकी वजह ये कि यह की वजह से नेट नेट कम होंगे। ये जरा बताएं भाई 12.5 फोर वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको 12.4 वाला यस नो yes, no. अगर बच्चे मौजूद हैं तो बेटा प्लीज सुनिएगा अब ये जरा देखें ये कैसे आ रहा है बेटा इस पे जरा ध्यान देना आपने मैं आपको समझा रहा हूं एनसीए की वैल्यू कैसे आई ऊपर एड्रेस भी नजर आ रहा है बेटा अगर आप एड्रेस में देखें तो B49 से लेके B53 तक सबको लॉजिकली ऐड किया 52 परसेंट लिया तो एनसीए आ गया B49 से B53 तक सबको ऐड किया उसका 52 परसेंट लिया तो एनसीए आ गया चेक करें जी एनसीए की वैल्यू क्लियर हो रही बड़े सारे बच्चे एनसीए की वैल्यू पे कमेंट कर रहे हैं अच्छा अब गुडविल कैसे आएगी ये देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है गुडविल कैसे आएगी हाउ आई एम कैलकुलेटिंग गुडविल बेटा सबसे पहले देखिए B46 में B46 में आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 66 मिलियन मिलेगी एड्रेस चेक कर लें सेल का बेटा B46 में ऐड किया B47 ऐड किया B48 और फिर लेस कर दिया बस B49 से B53 तक जो भी आ रहा है सबको लेस कर रहे हैं चेक करें जी बेटा ये गुडविल मुझे बताएं सारे बच्चों को क्लियर हो रही है कैसे आ रही है ठीक हो गया तो ये वर्किंग टू हो गई अब आ जाए बेटा अब सारा गेम जो है ना वो यहां पर है अब सबसे पहले देखिए इस सेल में मैंने वर्किंग वन का रेफरेंस दिया टॉप पे देखिए मैंने इक्विटी मेथड नजर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ बेटा ये अब काम का पॉइंट आ रहा है इसके मैं दो तरीके बता दूंगा नहीं 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 शामिर बेटा ऑप्शन को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे क्यों उसकी वजह है ऑप्शन अभी एक्सरसाइज थोड़ी की है ये बात क्लियर हुई अगर ऑप्शन को अकाउंट फॉर कर लेते तो होल्डिंग सिक्सटी परसेंट हो जाती ये वीडियो ही तो बन रही है खोकर साहब ये क्या बन रहा है ये वीडियो तो बन रही है बेटा ये ये जो मैं करा रहा हूं आपको सवाल ये वीडियो ही तो आगे चले शामिर बेटा बात क्लियर आपको आमिर टू से जी बेटा रिकॉर्ड करेंगे ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको टेंशन ना ले अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। शामिर बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज समझना मेरी बात ध्यान से हमने डिसाइड कर लिया भाई वी हैव डिसाइडेड कि कंट्रोल हमारे पास है और हम ऑप्शन को क्या करेंगे एक्सरसाइज कर लेंगे ऑप्शन को क्या लेकिन अभी हमने एक्सरसाइज नहीं किया अगली चीज देखिएगा मेरी बात समझना एग्जामिनर आप वो कह रहे हैं कंसोलिडेटेड एसओएफपी एफ बनाए और अगर आप बीच में ये फटा डाल दो कि जी हमने तो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया अब सुनना शामिर बेटा हमने ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया तो ग्रुप अकाउंट कहां से बनाए फिर तो बनेंगे नहीं ये बात क्लियर हुई 48 परसेंट भी काम करना पड़ेगा बस एग्जामिनर को हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था अपना जी अब आप मेन मुद्दे पे पहुंच गए भाई अच्छा वापस आते हैं अच्छा बड़े ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया जिसमें इक्विटी मेथड ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ये पहले सारे बच्चे बता दें समझ में आ आ रहा रहा है है ऊपर ऊपर वर्किंग वन सेल को किया एड्रेस नजर व्हाट इज हैपनिंग इस 18.6 की मैंने आपको एंट्री बताई थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट जागते रहेगा ये देख रहे हैं सिक्स इन्वेस्टमेंट एसोसिएट डेबिट है और ये देखें रिटेन अर्निंग क्रेडिट है कहां पे शो कर रहे हैं इसको यार कुछ भी नहीं है यकीन माने आपको तो हमने आप चेक कर लें मैंने तो आपको शुरू के क्वेश्चंस में पूरा पूरा एसओ कैसे बनाते हैं कंप्लीट पीएनएल कैसे बनाते हैं कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो सीखा है आपने ये तो बहुत आसान है इसमें तो आपको जो एडजस्टमेंट आपने किया उसका इंपैक्ट दिखाना है तो 18.6 की क्या एंट्री होगी भाई इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट डेबिट रिटेन एंड क्रेडिट इसके बाद देखिएगा भाई ये सेकंड वाला देखें गेन ऑन रीमेजरमेंट अब मेरी बात समझना एट एक्विजीशन जब कंट्रोल आपके पास आया था जब कंट्रोल आपके पास आया था तो आपको अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट को रीमेजर करना था पुरानी इन्वेस्टमेंट को क्या करना था रीमेजर जो पुरानी इन्वेस्टमेंट को बेटा आपने रीमेजर किया है ये वर्किंग टू है बेसिकली टू नजर आ रहा है आपको पुरानी इन्वेस्टमेंट को जब आपने रीमेजर किया था तो उसकी फेयर वैल्यू वन थी वन और वन का जो डिफरेंस है अगर आप लोग एक मिनट के लिए कैलकुलेटर यूज यूँग करें 127 माइनस का डिफरेंस है 8.4 है 8.4 से ग्रुप की रिटेन एंडिंग बढ़ जाएगी 8.4 से ग्रुप की रिटेन एंडिंग बढ़ेगी ये चेक कर लो यार ये बात के ले 8.4 से ग्रुप की रिटेन एंडिंग बढ़ जाएगी जी बेटा इस पे कमेंट कर दे भाई 8.4 से ग्रुप की रिटेन एंडिंग बढ़ जाएगी जी बेटा अगर यहीं पर तो आप बता सकते बेटा जिस दिन आपके पास प्लीज सुन लें जिस आपके पास कंट्रोल आता है मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूं देखिए सारे बच्चे इसको देखें आपको 118.6 इन इन मिला इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का अमाउंट 118.6 ये तो बता दें जिस दिन कंट्रोल आया ना जिस दिन कंट्रोल उस दिन आपको पुरानी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा थर्टी परसेंट जो हमारी होल्डिंग है एग्जिस्टिंग उसकी फेयर वैल्यू 127 है 127 118.6 का डिफरेंस 8.4 है चेक करें तो 127 और 118.6 का डिफरेंस लेंगे तो 8.4 आ जाएगा ये 8.4 आपके ग्रुप रिटेन अर्निंग को बढ़ा देगा अब क्लियर है बेटा सारे बच्चों को ठीक है जी ये थी हमारी सेकंड एडजस्टमेंट अब आसान है जी बेटा फेयर वैल्यू लैंड मेरी बात सुनिएगा टेन की अब सुनना लैंड में टेन का इंक्रीज आया तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में टेन ऐड कर दो जागते रहना और डेफर्ड एक्स लाइबिलिटी टेन का ट्वेंटी परसेंट टू से बढ़ा दो रिपीट बेटा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेन से बढ़ेगी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बढ़ा दो टेन से और टेन का ट्वेंटी परसेंट जो है उससे डेफर्ड एक्स लाइब्रेडी बढ़ा दो ये बात क्लियर हो रही है लाजमी टेन का ट्वेंटी परसेंट लाइब्रेड में होना चाहिए ये देखें अब यही काम करेंगे बाकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में ये डेटाबेस आ गया डेटा बेस को मैंने अदर नॉन करंट एसेट में लिख दिया भाई से आपने को बढ़ा दिया अदर नॉन करंट और बेटा आप पांच का ट्वेंटी परसेंट एफ एक्स लाइब्रेड वन से बढ़ा देंगे बट वाइट एंड इंस्टेड ऑफ एट पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर कहा एट पॉइंट फोर कैसे आया जी गोकर साहब 8.4 बताएं आपकी लैंड में फेयर वैल्यू अजस्टमेंट तो 10 मिलियन है ना प्रॉपर्टी प्लान रेकमेंड 10 से बढ़ेगा और 10 का 20% 2 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 8.4 कहां से आ रहा है डिफरेंस इन फेयर वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट बेटा 10 मिलियन आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है बेटा आप दो अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हो भाई लैंड में दस मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आई थी ये पचास मिलियन था फेयर वैल्यू सिक्सटी मिलियन थी दस का इंक्रीज आया था तो ये आप खोकर साहब कहीं और ही निकल जाते हो आप अच्छा बेटा डेटा बेस पांच मिलियन का की फेयर वैल्यू एडमेंट डेटाबेस के अंदर ठीक है? है उसकी वजह से भी क्या होगा

और उस फेयर वैल्यू जिस पॉइंट से डेफोडेक्स लायबिलिटी आ रही है उसको डेफोडेक्स लायबिलिटी में लिख दिया जी आई होप कि यहां तक क्लियर होना चाहिए बताएं जी ठीक हो गया जी अब बेटा देखिएगा 47 के बाद हम क्या कर रहे हैं अब क्वेश्चन में ना जरा जागते रहे ना इन्होंने किया हुआ क्या है ये क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको 348 नजर आ रहा है एग्जामिनर ने खुद किया हुआ है मैंने कुछ नहीं किया ग्रीन सिक्योरिटी नजर आ रही है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर ग्रीन सिक्योरिटी मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नीचे ग्रीन सिक्योरिटी किसी को लिखी हुई मिली अब बेटा मेरी बात सुनना ओ भाई ये ग्रीन जो है ना ग्रीन ये अब हमारी सब्सिडरी है इवन एसोसिएट भी होती तब भी मैं एसोसिएट की इक्विटी साइड नहीं लेता भाई तो सब्सिडी की तो इक्विटी साइड लेते ही नहीं है हम तो सिर्फ क्या करते हैं सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व के अंदर शेयर लेते हैं कोई सब्सिडी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम ऐसी चीजें तो आती ही नहीं है ग्रुप अकाउंट्स के अंदर तो क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रीन की जो इक्विटी है ग्रुप अकाउंट्स में एलिमिनेट होगी ये देखिएगा 348 को मैं माइनस कर रहा हूं भाई बिल्कुल टॉप पे देखे मैंने हेडिंग दे रखी है इसकी ये शायद ये ये हेडिंग बढ़े रिमूव ग्रीन सिक्योरिटी रिमूव ग्रीन सिक्योरिटी

अब नेगेटिव लिखूंगा की साइन लगाऊंगा तो ही रिमूव होगा कैसे लास्ट कॉलम में क्लियर हो जाएगी बात पहले बताएं, हो रहा है भाई, ये in रिमूव वाला no अच्छा अब फाइनली यहां मैंने गुडविल दिखा दी एग्जामिनर ने गुडविल नहीं बताया था भाई ग्रुप अकाउंट्स के अंदर ये गुडविल का अमाउंट आ गया टू पॉइंट अब जरा देखिएगा बेटा ये सारी एडजस्टमेंट आ गई हैं इन्हीं एडजस्टमेंट को बताने का एक और तरीका भी हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता तो हूं इंशाला पहले ये देख लें अब ये देखें। टू जीरो थ्री वन कैसे आया है बेटा टू जीरो थ्री वन ऐसे आ रहा है कि लॉजिकली मैंने बी सेवन से लेके और मैं चला गया हूं जे सेवन तक सम का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने आसान वेडिंग में टू जीरो टू वन प्लस टेन किया जी चेक कर ले टू थर्टी वन टू जीरो थ्री वन समझ में आया कैसे आया सम का फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि ड्रैग करने से मेरा काम आसान हो जाएगा अच्छा बेटा इसको देखें अब ड्रैग करेंगे तो आंसर ये जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया गुडविल एजेड आ गई अदर नॉन गुड आ गए अब इसके बाद ख्याल रखना है इसके बाद ये जरा देखें कैसे आया टोटल एसेट खुदा के लिए टोटल एसेट में देखें सम कहां से कहां आ रहा है बेटा ऊपर एड्रेस अगर आप देखें तो के सेवन के सेवन से के इलेवन तक को सम किया ये बात क्लियर हो रही है टोटल एसेट्स वाली बात गुडविल की कैलकुलेशन बता देते हैं बेटा गुडविल की कैलकुलेशन बता दूंगा मसला नहीं हो पहले ये देख लो यार पहले टोटल एसेट में देख लें ट्रिपल टू फोर पॉइंट वन फाइव कैसे आया ये देख लो गुडविल अगर बता रहा हूं टेंशन ना लें इंशाल्लाह पहले इसको निपटा लें अच्छा बेटा आप सुनिएगा ये नॉन करंट एसिड और ये है करंट एसिड फाइव एटी नाइन फाइव एटी नाइन कैसे फाइव फोर्टी टू प्लस फोर्टी सेवन मैंने तो सम का फॉर्मूला यूज किया अब टोटल एसिड कैसे आएंगे इसको देखें आप एड्रेस देख ले बेटा नॉन करंट एसिड प्लस करंट एसिड नॉन करंट एसिड प्लस करंट एसिड टोटल नॉन करंट एसिड प्लस टोटल करंट एसिड दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एसिड आ जाएंगे टोटल एसिड आ रहे हैं आपके पास 218 200 और oh सॉरी 2813.15 जी बेटा टोटल एसिड पे सारे बच्चे बताएं पहले क्लियर करें यही है कुछ और टोटल एसिड तो क्लियर है भाई

आसान वेटिंग्स में 150 से 1184 तक मैंने सम का फार्मूला यूज किया तो 1704 टोटल इक्विटी आ रही है अब बेटा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इसको चेक करें कैसे आ रहा है 206.8 ये एट एक्विजिशन आया था 206.8 अगर मैं इस पे आपको लेके जाऊं गुडविल निकालते हुए 206.8 आया था ये मैं गुडविल पे आ रहा हूं मैं दोबारा ये गुडविल की कैलकुलेशन देख लें वर्किंग डू 18% जो होल्डिंग है उसकी उसकी वैल्यू 10 66 है 30% जो मेरी 30% जो मेरी इन होल्डिंग है उसकी फेयर वैल्यू 127 है ये बड़ा फेयर वैल्यू एनसीए है फिर ये गुडविल की कैलकुलेशन देख लें ये दोबारा से एक बच्चे ने पूछी थी क्लियर हुआ बेटा गुडविल कैसे आ रही है? बेसिकली 18% परसेंट जो इन्वेस्टमेंट है 66 उसमें 127 ऐड किया प्लस ऐड किया फेयर वैल्यू एनसी है तीनों को ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे फेयर वैल्यू नेट एसेट एक्विजिशन तो गुडविल आ जाएगी जी मुझे बता दें गुडविल क्लियर हुए 2.15 कैसे आ रहा है जी बड़ा अगर क्लियर तो आगे चलेंगे आई थिंक इसी स्टूडेंट ने पूछा था या नहीं चले आगे के रहे अब बेटा इस पे आ, जाए। आ गया इसके बाद बेटा ये ग्रीन सिक्योरिटी को हमने एलिमिनेट कर दिया था तो ये जीरो आ गया डेफर्ड एक्स लाइब्रिटी में देखें 314 के अंदर टू वन प्लस नाइन को ऐड कर दिया

मेरे लिहाज से बैलेंस से चेक कर लेते हैं अरे सर ये पॉइंट अबे जरा सा पॉइंट्स का फर्क आ रहा है खुदा के लिए उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता ये जीरो ये पॉइंट वन फाइव है और ये क्या पॉइंट टू है चलेगा बेटा पॉइंट वन फाइव को ये टू एट वन थ्री पॉइंट वन फाइव को जरा सा राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी टू हो जाएगा ये न्यू पैटर्न थोड़ा क्लियर हुआ अब पहले तो बेटा एक एक चीज क्लियर कर लें कि न्यू पैटर्न में प्लीज मेरी बात सुनिएगा तीस नंबर की जो कॉन्सल्टेशन आ रही है भाई उसमें से अठारह तो वही है जो पहले थे मार्क्स तो वही है जो पहले थे यानी कि जो प्रेजेंटेशन का चेंज आया है विच इज अ गुड चेंज आपने उसको एज एडसी लिखना है बस जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसको तो गुड चेंज जो आ रहा है वो मैक्सिमम अगर आप देखें तो आपको बारह मार्क्स के अंदर आ रहा है इसको पहले क्लियर कर लो कहीं ये बारह मार्क्स होंगे कहीं ये दस मार्क्स होंगे यानी कि जो आपको एडजस्टमेंट वाला पॉइंट करना है जो लास्ट रिक्वायरमेंट हुआ करेगी इसकी रेंज रखें दस से बारह मार्क्स अब सर ये दस से बारह मार्क्स सीरियसली शुड नॉट डिस्टर्ब यू क्योंकि आपने तो इससे पढ़ी हुई है अल्लाह माफ करे आपने तो पूरा पूरा पी कैसे बनाते हैं एसओ कैसे बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो सीखा हुआ अच्छा आप मेरी बात सुनिएगा बेटा कल जो हम सवाल करेंगे ना इनशाला कल जो हम सवाल करेंगे कल हम प्रॉपरली स्प्रेडशीट पे प्रॉपरली इसमें तो एडजस्टमेंट पहले से हुई हुई थी वो इंग्लिश क्लास की रिकॉर्डिंग थी तो वही आ गई सामने तो कल हम एक काम करेंगे इनशाला प्रॉपरली इसको ना एक्सेल की शीट पे स्प्रेड शीट पे जो कल सवाल प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे लाइव क्लास के अंदर इनशाला तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ठीक है जी एक बच्चा कह रहे जी हमने सेवन में सीख लिया जबरदस्त हो गया भाई तो कल की क्लास में आप एक अच्छा इथिक्स इथिक्स का मैं आपको लेक्चर अभी बता रहा हूँ मुझे एक मिनट है इथिक्स के ऊपर जी हमने बहुत ही शानदार लेक्चर एस का बनाया हुआ है और जो आपके ग्रुप में होना चाहिए मुझे नहीं लग रहा कि क्यों नहीं है ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में इथिक्स क्योंकि सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव सवाल जो है ना एथिक्स का उसका वीडियो लेक्चर में बना के अपलोड भी कर चुका हूं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है और किसी बच्चे ने देखा है जी एसबीआर में मैंने शेयर तो किया हुआ यार ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो नहीं नहीं कोई मसला नहीं बेटा एग्जाम बैलेंस शीट मैच ना करे कोई इशू नहीं मैक्सिमम वन मार्क या टू टू बहुत ज्यादा बोल लो उसकी टेंशन ना लें वो एक से दो मार्क्स की टेंशन ना लें बस एग्जाम में बेटा याद पहले तो देखें अच्छी बात क्या है जो चेंज आ रहा है दस से बारह मार्क्स वेट कर रहा है चेंज कोई बहुत खतरनाक नहीं है फिर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये कि भाई ये जो चेंज है ये बहुत आराम से इनशा आपसे मैनेज हो जाएगा और फिर कल जो इनशा अल्लाह ने चाह तो हम क्लास जो लेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन हम जो क्लास लेंगे उसमें इंशाल्लाह हम लाइव क्लास के अंदर इस पे देख लेंगे कि कैसे ये स्प्रेडशीट वगैरह बनानी है ताकि आपको मजीद बात जो है इंशाल्लाह मुनासिब तरीके से क्लियर हो जाए तो कल की क्लास में ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बेटा मैं आपको इथिक्स वाला सवाल ये क्या चक्कर है भाई एक मिनट दीजिएगा एक मिनट दीजिएगा एक क्वेश्चन है जो मैंने टेस्ट में भी आपको करवाया था जिसमें थिक्स बहुत तमीज से कवर्ड है ये मिल गया मिल गया मिल अच्छा जी ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ लेकिन ये आपके पास पोर्टल में भाई ये उर्दू में भी मौजूद है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी ये पोर्टल पे अपलोडेड है जी याद है जिसमें बेसिकली इथिक्स और ये कहा था कॉन्सल्टे का जो चेंज है ये एक वीडियो लेक्चर के अंदर ऑलरेडी शेयर्ड है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे फिलहाल तो ये मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया भाई इथिक्स वाला सवाल यही सवाल जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है इंग्लिश वाला ये उर्दू में ऑलरेडी हमारे आ, क्या कहते हैं उर्दू में जो हमारा पोर्टल है उस पर मौजूद है लेकिन आई होप कि आज की क्लास में आपको काफी फायदा होना चाहिए काफी ज्यादा जी बड़ा आज की क्लास में कुछ फायदा ही नहीं हो